नाम हुआ भाई साहब? अभिमन्यु भाटिया। अभिमन्यु जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल गलत हुआ है जी। मोदी जी तानाशाह हो चुके हैं। अच्छा। अब तो मोदी जी के खिलाफ बोलना भी बहुत लोगों के बस की नहीं रहा, क्योंकि उन्हें डर है कि हमारे अगेंस्ट ही कोई एक्शन ले लेंगे। ये मोदी जी ने लिया है एक्शन? मोदी जी ने बिल्कुल कराया है। अच्छा। जुडिशियरी ने परसों, चीफ जस्टिस ने एक आए, कुछ लोगों को बेल मिलनी थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोदी, उनको जेल मिली है। सिसोदिया जी हो गए, बहुत हो गए। अब बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला, मैं मोदी जी से पूछता हूँ, आप तो पीएम है, आप दुनिया भर की बातें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बोल देते हैं कभी पप्पू, वो डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स नहीं है? पहले आप बीइंग अ पीएम, आप तो आप कितनी बात बोल चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा राहुल गांधी ने सही किया, मगर उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जब बोला था तब ललित मोदी, नीरव मोदी और हमारे नरेंद्र मोदी पे बोला था कि करप्शन बढ़ी, सिर्फ उनको गलत टारगेट किया, उन्होंने एक जेनरिक स्टेटमेंट दी गई और ये सारी दुनिया वो पूरी मोदी कम्युनिटी को बोल दिया भाई साहब, पूरा तानाशाह हो रहा है। और इस वक्त मोदी को कोई बोलता उसे डर है कि अरेस्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ लगा देंगे। जवाब जवाब तानाशाह, एक सेकंड भाई, भाई एक मिनट, तानाशाही भाई साहब मोदी के साथ रहो, हम नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल। मैं आपकी भी बात सुनूं, लेके जाओ। तानाशाही क्या ये होती है? तीन महीने पूरे भारत में ऐसे घुमाया जैसे भाई सुनो बता, अरे सुन तो लो, सुनने की। तीन महीने जैसे कोई बच्चा गार्डन में घूमता है वैसे तीन महीने पूरे भारत में घुमाया, ये क्या तानाशाही है? क्या ये तानाशाही है? कोई मंत्री भारत का, किसी भी स्टेट का, पूरे साल में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता जितनी वो एक महीने में कर लेता है, तो क्या ये तानाशाही है? कौन सी तानाशाही है भाई? तुम्हारे टाइम पे कश्मीर के अंदर जब मोदी जी झंडा लहराने गए थे उस टाइम तो कोई नेता भी नहीं थे, कोई बड़ा आदमी नहीं था, एक आम कार्यकर्ता था बीजेपी का, कितने लोग साथ में गए थे सिक्योरिटी, आज वहां पे जाके ऐसे घूम के आ गया जैसे कोई बच्चा पार्क में खेलने चले जाता है अपनी सोसाइटी के। तो भाई ये मोदी का भारत है। और बात रही कि उनको क्यों डाला गया जेल में या क्यों उसके लिए मतलब उनपे अपराध है, भाई वो अपराधी है, खुला घूम रहा है वो अपराधी है, बेल मिली है अपराध, ये नहीं बोला अपराधी नहीं है, कांग्रेस का अपराधी है घूमता फिरता। और अगर उसकी सदस्यता गई है ना, कानून 2013 में उन्होंने बनाया था कि जैसे ही 2 साल या उससे ज्यादा की अगर कैद मिली किसी सांसद, राहुल गांधी ने तो उस टाइम फाड़ दिया था वो, सर उन्होंने फाड़ा, ये अध्यादेश था जो अध्यादेश मनमोहन सिंह ये लेके आ रहे थे कि इस कानून को हटाएंगे, तो उन्होंने वो अध्यादेश फाड़ा था, इस कानून के समर्थन में खड़े हुए थे राहुल गांधी। तो भाई हमें क्या बताया जाता है, बच्चा अपना भविष्य खुद तय करता है, राहुल गांधी ने वो अध्यादेश फाड़ा, इस कानून का समर्थन किया, अपना भविष्य खुद तय किया, वो भविष्य आज दिख रहा है। और सुन लो रे कांग्रेसी और सारे कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अभी तो एक फैसला आया है और फैसले आएंगे, तुम्हारे नेताओं ने जितने पाप किए उसके लिए वो सारे जेल में जाएंगे, सारे जेल में जाएंगे भाई साहब, आप बताइए। अगर मोदी जी इतने बढ़िया हैं तो अडानी पे कब एक्शन लेंगे? जो अरबों खरबों रुपए खा गया, देश की ऐसी तैसी कर गया, उस पे कब एक्शन लेंगे? कैसे खाए हैं पूरा बताइए, पूरा प्रकरण बताइए, कैसे खाए हैं, क्या खाए? अभी मैं बताता हूँ, जंतर मंतर पे हमारे रेसलर बैठे थे, उस मंत्री पे मोदी जी ने क्या एक्शन लिया? और सांसद में बहुत सारे मंत्री हैं जो रेपिस्ट और मर्डरर हैं बीजेपी के, उन पे कब उसकी सदस्यता जाएगी? और नाम गिनवा दें हम, बीसीओ हैं जिनके मर्डरर हैं, नाम फैसला क्या आ जाए? मर्डरर साले बैठे हो, राहुल गांधी ने इनके लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है कि कोई लीडर है वो सजाए देगा, सजा कोर्ट देता है। तो आपको आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से कह रहे हैं जुडिशरी दबाव में है कि जुडिशरी दबाव में है? चीफ जस्टिस के कमेंट पढ़ लो परसों के, उन्होंने बोला है कि बहुत से केसेस में एक तो कॉलेजियम सिस्टम नहीं लाना दे रहे, वो चाहते हैं हम बनाए जजेस, मोदी जी प्रेशराइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत से लोगों को बेल मिलनी चाहिए थी, उनकी जगह जेल आप चीफ जस्टिस का उठा के देख लीजिए परसों का इंटरव्यू, और उस पर उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और बहुत सारे मंत्री, मैं कह रहा हूँ रेसलर बैठे थे, उन पर क्या एक्शन हुआ उस मंत्री पे जो हरास करता था, सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है? और क्या सारे बीजेपी वाले क्लीन चिट है, उनकी सदस्यता जारी है? जवाब दीजिए भाई, ये भैया बोल एक मिनट, चीफ जस्टिस की सुन रहे हैं? ये उसी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बात कर रहे हैं जो चंद्रचूड़ थोड़े दिन पहले बोल रहा था कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए मीडिया को आगे आना पड़ेगा, फिर उसके बाद वही दोबारा से बोलता है कि मीडिया को फर्जी खबर नहीं चलानी चाहिए, उससे लोकतंत्र पे खतरा आ रहा है। तो भैया वो चीफ जस्टिस हम उसको नहीं मानते जो फर्जीवाड़ा फैला रहा हो, ठीक है ना? तो चंद्रचूड़ अपना चंद्र में चले जाए, यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। हम डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको राइट है। अगर अगर क्या मोदी जी ने कभी राहुल गांधी को ये जो पप्पू और दुनिया भर की बातें सोनिया गांधी पे कहते हैं, मैं कह रहा हूँ सबको राइट होना चाहिए। वो तो भारत जोड़ो यात्रा में भी बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर बोले कि लोकतंत्र खत्म हो गया। भाई पता नहीं क्या क्या सोनिया गांधी, मैं तो वो शब्द भी यूज नहीं कर सकता जो वो एक लेडी के लिए कर रहे हैं। बीइंग अ पीएम, ठीक है ना, पीएम हो आप, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा क्या राहुल, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं सपोर्टर राहुल गांधी का ना मोदी का, बट ये गलत हो रहा है, ये तानाशाही हो रही है कि एक बंदे ने, आप भी बहुत कुछ बोलते हो और सभी बोलते हैं, मंत्री कौन नहीं बोल रहा, क्या क्या बोल रहे हैं एक दूसरे के लिए, खत्म बात। केस फाइल कर दो, उसके खिलाफ केस फाइल हुआ था, जुडिशरी पे दबाव दीजिए, जुडिशरी दबाव में, जुडिशरी का बोले ये कॉलेजियम सिस्टम की बोले, पिछले 25 साल उठा के देख लो, कॉलेजियम की पिछले 25 साल में चार परिवार के सीजीआई बन रहे हैं केवल, क्यों? ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं चाहिए, क्यों चार परिवार भारत का मोदी जी बाप बनता है और वो इस बंदे को अपॉइंट करता है जो आने वाले समय में वापिस उसके बेटे को अपॉइंट करेगा, ये कॉलेजियम सिस्टम है, क्यों चाहिए ऐसा कॉलेजियम सिस्टम? परिवारवाद भाई नहीं चाहिए यहाँ पे, सरकार यहाँ पे पार्टियों से राजनीति से परिवारवाद हट रहा है तो जुडिशियल सिस्टम से भी परिवारवाद हटेगा। परिवारवाद नहीं चाहिए भाई साहब। भाई साहब से ये पूछ ले, पहले भाई साहब से पूछ ले कि चीफ जस्टिस अपॉइंट कैसे होता है इंडिया का, कैसे होती को सर नहीं पड़ती है तभी अपॉइंट होता है, बात बताइए, सजेस्ट करके कौन भेजते है, रेफर कौन करता है उससे पहले वाला जज, एक बात बताए, एक पीएम कौन होता है ये बोलने वाला कि मेरी जगह ये बैठेगा, क्या उसके बाप की गद्दी है? जी भाई साहब, जो करेंट जज होता है वही नाम अपॉइंट करके जाता है, वही जो बोल के जाएगा वही जज बनता है, ठीक है। दोनों को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब लोगों को राइट है, ठीक है, कोई बदतमीजी ना करे, बट मोदी जी भी बोलते हैं, मोदी जी तो सुप्रीम है, अगर क्या बोला है मोदी जी ने, रुके क्या क्या बोला है मोदी जी, बोलते हैं पप्पू, एक दो बात बताइए, पप्पू बोलते हैं, पप्पू कोई लैंग्वेज है पीएम को बोलने के लिए, पप्पू और भी क्या क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि चलो चलो मैं मोदी जी का नाम तो राहुल गांधी है ना भाई, अरे मोदी जी तो पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी पे अटैक करते हैं, कांग्रेस वाले तो ये इनको ये क्या बोलते हैं, सीडीएस बिपिन रावत को बोलते हैं ये तो गुंडा है, वो भी तो कह देते हैं कि नेहरू की जगह गांधी क्यों लगाते हैं। हाँ, उसके बाद बॉलीवुड इसको बोलेंगे बालाकोट में कि चील कौवे मार दिए थे तो वो क्या था, वो मतलब वो कुछ भी भौंके तो वो लोकतंत्र, और वही बीजेपी वाले कुछ बोल दिए तो फिर वो लोकतंत्र पे खतरा, तो ये दोगलापन अब नहीं चलने वाला। ये लोग ये बताइए, लोकतंत्र से पार्टी है या पार्टी से लोकतंत्र है, ये बताइए मुझे। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर जो भी उनको दिख रहा है कि उनका कॉम्पीट करने वाला उसको वो अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, सिसोदिया को अंदर कर दिया। लेकिन भाई साहब बार बार राहुल गांधी यही कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सब दिख रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में जाकर ये भी कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र तो भाई साहब खत्म हो गया है, तो फिर बेल कैसे मिल गई जब लोकतंत्र खत्म हो गया? बेल अभी उन्होंने उनके जो मनु सिंह जी खड़े हुए थे उन्होंने 30 डेज का टाइम पीरियड मांगा है कि वो फर्दर अपील करेंगे और टाइम मांगा है कोर्ट से, तो इसलिए बेल ग्रांट हुई है। लोकतंत्र नहीं होता तो नहीं मिलता ना भाई साहब टाइम, फिर तो सीधा अंदर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर लोकतंत्र है तो मुझे ये बताइए, जो रेसलर इतने दिन बैठे बीजेपी, अगर अभी वो कोई भी नेता बीजेपी ज्वाइन कर ले उसके सारे चार्जेस हट जाते हैं, ऐसा है भाई साहब कुछ, ऐसा है कुछ जवाब। राहुल गांधी बोले आई एम द अनफॉर्चुनेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दुर्भाग्यपूर्ण वो सांसद थे और वो हटा दिए गए, वो उन्होंने खुद माना था हम दुर्भाग्य गलती से सांसद बन गए, और अमेठी से वो रिजेक्टेड थे, वायनाड से सेलेक्टेड थे, वायनाड वो जाते नहीं थे, देश की आवाज उठाते नहीं थे, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो कह रहे हैं भाई साहब कांग्रेस वाले कि पहले तो बोलने नहीं देते थे, अब भारी कर दिया बिल्कुल, अब जा ही नहीं पाएंगे वो संसद में। देखो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके देश की गाली देना संसद को, देश की सरकारी संस्थाओं को गाली देना, और एक विशेष समुदाय को टारगेट करना, इनको वहां से रिजेक्ट किया गया है, और ये जो है बोले थे आई एम द अनफॉर्चुनेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन व्हाट द इशू, क्या दिक्कत है आपको जब वहां से हटा दिया गया तो? ये मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से पूरी बातचीत हो रही है, पूरी पूरी तानाशाही की, जैसे आप भाई साहब भी आपके सामने यही कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है? कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये लोग जब हमारे देश के होते, देश की हित की बातें करते, तब तो हम समझते, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके हमारे देश के संस्थाओं को, देश के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये इससे साफ जाहिर होता है कि इटली के लोग हैं और दूषित मानसिकता से के साथ भारत में
आए थे, अब भारत इसको नेस्ता नाबूद करके विदेशी अंग्रेजों को, चलिए वो इटली वालों को, प्रियंका गांधी जी कह रही है कि कितना भी डरा लो ना, मेरा भाई डरा है ना डरेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो मोदी जी उनको दबा ले। अगर इतना ही नहीं डरे होते तो इतनी बड़ी विपक्ष क्यों खड़े करते? नहीं डरे तो मोदी जी तो नहीं डरे जो अकेले खड़े हैं यहाँ, तो इन्होंने पूरा विपक्ष बना लिया। नहीं डरे होते ये बोलते, हमें बोलने नहीं दिया जाता। अरे मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, तुम्हारी अटेंडेंस कितनी है लोकसभा में? जैसे लोग वैकेशन मनाने, छुट्टी मनाने, घूमने जाते हो, वैसे तुम इस वैकेशन मनाने लोकसभा में आते हो, तो तुम वैसे भी बोलना नहीं चाहते, तो तुम वैसे भी आना नहीं चाहते, तो अब बिल्कुल बताओ, तुम्हें परमानेंट छुट्टी दे दी गई है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? अब 2024 में किसको देखते हैं भाई साहब? 2024 में चेहरा कौन होना चाहिए? वो तो लड़ नहीं पाएंगे 8 साल। ये लग रहा है कि 2024 तक मोदी जी सबको जेल में डाल देंगे जो भी उनके अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। साम दंड भेद, और जो देश के हित का नहीं हो उसको जेल में जाना चाहिए, और जो देश को गलत चाहिए, जिस दिन वो अडानी को जेल में डाल देंगे मैं सपोर्ट करूंगा कि वो ठीक है, वो अडानी से डरे। अडानी से क्या दिक्कत है मुझे? उद्योगपति से देश है, उद्योगपति से देश है, उद्योगपति से देश है। और गलत तो बताइए भाई साहब, थोड़ा सा आपको नॉलेज है, हम भी जानना चाहते हैं क्या गलत किया है, बताइए। मैं बताता हूँ, गलत ये है जो उनको लोन दिए गए वो प्रूव किए जाए कि उन्होंने क्या रखा था जो इतने भारी भरकम लोन देगी। उनका डेट हजारों करोड़ का है, हजारों करोड़ का, जबकि उनके पास वो एसेट्स नहीं है, कैसे मिल गए? जो कंपनियां भी शुरू नहीं है और उनकी वैल्यूएशन शेयर मार्केट में, उनके 7 कंपनी लिस्टेड है, 2,000 के स्टॉक है, लोगों का करोड़ों रुपए डूब गया उनके चक्कर में। अच्छा, किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, आपको आपको कहां से पता चला कि ये सब? सर मैं मार्केट में भी काम करता हूं, मेरे को पता है क्या चल रहा है। उनके स्टॉक की कीमत 1/3 रह गई, कैसे हो गए? इतने प्राइसेस क्यों बढ़े? अगर सेबी थी क्या, क्यों था? क्योंकि हर जगह लोन मोदी के चक्कर में उनको लोन मिलता गया, मोदी की उनकी साठगांठ, हर प्रोजेक्ट अडानी को दिया जा रहा है। सबको नहीं दिख रहा क्या हो रहा है देश में? और को क्यों नहीं दिया जा रहा? अडानी क्यों? और अडानी, मैं कह रहा हूँ चलो अडानी शरीफ है यार, सी तो बिठाओ ना कमेटी, लेट हिम गेट द क्लीन चिट, क्यों नहीं मिल रहा उनको? क्यों नहीं बिठा रहे? ऐसा बड़ा सवाल यही है, गांधी के पीछे पड़ रहा है, बड़ा सवाल यही है कि अडानी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसा भाई साहब कह रहे हैं, जिस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इस पर? अडानी अंबानी 2014 से नहीं है, 2014 से पहले भी थे, और अडानी अंबानी देश के उद्योगपति है, देश के उद्योगपति से देश चलता है, और देश के उद्योगपति को ये गाली दे के देश से ये सोचते वो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं भाई साहब, वो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। ऐसा एक भी आप केस बता दो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई और उस पर जेपीसी की मांग उठी हो? एक भी मांग नहीं उठी है। ये बोलेंगे अडानी ने इतने करोड़ का करप्शन कर लिया, जबकि LIC ने खुद आके बोला है कि जितना भी हमने पूरे भारत में लोन बांटा है उसका सिर्फ 1.5% लोन हमने अडानी को दिया हुआ है। अब ये बोल, इनको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सेबी पे भरोसा नहीं है, LIC पे भरोसा नहीं है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, सेना पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं, इनको किसी पे भरोसा नहीं है, इसलिए दुनिया को, इसलिए पूरे भारत। स्टेटमेंट है भाई साहब उनका, वो कहते हैं कि 2000 वर्ग मीटर चाइना अंदर घुस गया है राहुल गांधी का ही बात। तो भाई साहब को ये नहीं पता कि LIC का कितना पार्ट इन्वेस्टेड है, LIC डेट में भी, इक्विटी का जितना वो इन्वेस्ट करती है उसका। LIC ने क्यों एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ? 66% जो इक्विटी का, खुद आके इक्विटी का पार्ट है वो इन्वेस्टेड है अडानी में, कैसे? ये जो 1% है ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो इक्विटी का पार्ट बता रही है। LIC खुद सफाई दे रही है 50 बार, सब मिले हुए हैं, मिला हुआ है, साफ आप हो, कौन मिला हुआ है, आपने कहा मिले हुए? अडानी में किसके कहने पे 66% और कंपनियां मर गई, और कंपनीज में क्यों नहीं? वाई अडानी ले लीजिए। देखो सच कौन बोलता है पता है? इनके हिसाब से सच BBC बोलता है, सच जॉर्ज सोरस बोलता है, सच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बारे बोलते हैं, सच हिंडनबर्ग बोलता है, बाकी हमारे भारत की जितनी भी ये सब बनाई हुई है, इलेक्शन कमीशन, CBI, ED, वो सब झूठी है, सिर्फ सच बोलते हैं वो ब्रिटिश वाले और US वाले। BBC, मैं सच्चा हूँ, BBC की डॉक्यूमेंट्री मैंने क्यों हटवा दी डॉक्यूमेंट्री? मैं कश्मीरी फाइल्स पे तो ढोल बजा रहा हूँ, मगर जब BBC की BBC तो ट्रस्टेड चैनल है, सालों से क्यों हटवाई, क्यों डॉक्यूमेंट्री हटवाई? BBC बोल रहे थे तो आते ना कोर्ट में जाते कि झूठ दिखा रहे, उसको लोग नहीं पसंद करते, आज तक रेट नहीं पड़ी, अब रेट पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया तो BBC का क्या मतलब है इंटरफेयर करना? BBC सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है क्या? BBC सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? अरे भाई साहब कमाल होगा, काहे की मूवी
दिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करने का प्रोपोगंडा है। बीबीसी अरे क्यों जय जयकार हम देश की करेंगे भाई, हम जय जयकार देश की करेंगे, मोदी की क्यों करेंगे? हमारे घर में रोटी डाल रहा है क्या, हमारे घर में नाच देकर जा रहा है भाई? और सुनो पप्पू की तो खटिया खड़ी हो गई। अब बीबीसी जिस देश की है वहाँ भी उस देश के लिए हित का काम नहीं करती है, और ये फिक्स एजेंडा लेके आई थी, और फिक्स एजेंडा मतलब एक स्क्रिप्टेड एजेंडा अब इस देश में किसी का भी नहीं चलेगा। जो पहले चलता था देश को बदनाम करने की साजिश, अब यहाँ वो कह रहे हैं भाई साहब राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश है, वो लगातार उनको दबा रहे हैं, वो डर रहे हैं, अब वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, अब फिर कैसा विपक्ष रह जाएगा? चुनाव लड़के कौन सा जीत रहे थे? अमेठी जो उनकी पुश्तैनी थी जिसपे उनके दादा बाप माँ सब लड़ते चले आए, वो तो उन्होंने खो दिया। वायनाड चले गए, वहाँ पे भी वो कभी जाते नहीं है देखने, तो वैसे भी चुनाव लड़ते ही कहाँ है।